नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबीटी बूस्टर पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे सज्ज हो गई थी सेना धृतराष्ट्र के पुत्रों की एक साथ आकर के आक्रमण करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ राज्याभिषेक होने जा रहा था युधिष्ठिर का। अब देखना यह है कि क्या राज्याभिषेक संभव हो पाता है या किसी भी प्रकार से युद्ध की फिर से बुगुल बजेगी। ये सब देखने के लिए प्लीज हमारे साथ बने रहिए। लेके चलते हैं आपको एपिसोड 66 पार्ट 1 की तरफ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये कुछ प्लानिंग करके आए। सपोर्ट करनी है राजनीति। हाँ, मामा ने मुझे सिखा दिया होगा। करो सही बताएंगे तुम कर भी हम इन्होंने तो वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए पूरी तरीके से। कहानी मामा की है, किसी ने एक्सपेक्ट तक नहीं किया होगा यार ये सब। पापा को रात में बोले अगर कहोगे तो हम ना डर देंगे। इधर सब पूरे मन को भी विश्वास में ले लिया कि तुम मेरे साथ रहोगे अगर मुझे कुछ करना होगा। बीच में मामा पड़ गए होंगे, इन्होंने समझाया होगा कि वहां पितामह खड़े हैं, तुझे क्या हालत हो गया। पवन के सामने नतमस्तक होने से वृक्ष की शक्ति घटती नहीं। समुद्र की लहरों के अनुकूल होकर तैरने से नौका का अपमान नहीं होता। आपके सामने अपने शस्त्रों का त्याग करने में मैं अपना अपमान नहीं समझता, सम्मान समझता हूं भ्राता युधिष्ठिर। पिघला दिया भाई, भरोसा नहीं होता किसी को। मेन बात ठीक हो जाता है, बाकी कोई नहीं होता। प्रतीत हो रहा है कि आप बाहुबल और युद्ध कौशल में मुझसे श्रेष्ठ हैं। देखो
आपको हस्तिनापुर का युवराज बनाने के निर्णय को मैं और मेरे भाई स्वीकार करते हैं। वही तो रुचि है भीम मन में। भीम क्या कर रहे हैं आप? मैंने इन करेलों को रात भर शक्कर की चाशनी में रखा है सहदेव। इनका स्वाद वैसा का वैसा है। वर्ष भर रखोगे तो शायद स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा भ्राता श्री। दुर्योधन में परिवर्तन आ गया तो करेले की क्या शक्ति। जीवन भर रखोगे तब भी परिवर्तन नहीं आएगा नकुल।
क्योंकि करेले का अस्तित्व उसके कड़वेपन में ही है। शुभ देखो भीम, शुभ देखने का प्रयत्न करो आप सब। किसी मनुष्य का हृदय इतना निर्बल नहीं हो सकता कि उसमें धर्म न पस सके। मेरा हृदय इतना निर्बल नहीं मामा श्री कि उसमें धर्म पस जाए। धर्म से तो मेरी बचपन से मत कहो पुत्र, धर्म ही संसार का आधार है। मेरा संसार तो उजड़ गया मां, मेरे लिए धर्म शेष नहीं। तुम अधर्म के मार्ग पर नहीं चल सकते पुत्र। धर्म क्या है माता, क्या है धर्म? धर्म तो केवल असमर्थ और निर्बल लोगों के संतोष के लिए होता है। ईश्वर ने हृदय दिया है, हृदय में इच्छाएं दी हैं, तो फिर उन इच्छाओं को पूर्ण करने को अधर्म किस प्रकार माना जा सकता है? नहीं माता, जानता हूं मैं धर्म, बहुत सीखा है गुरुकुल में, किंतु क्षमा कीजिए माता, मैं उस धर्म पर जी नहीं सकता। मेरा धर्म तो केवल एक ही है, हस्तिनापुर का सिंहासन प्राप्त करना। सेम एपिसोड में दुर्योधन के दो चेहरे दिखे, एक जिसमें उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया कि हम युधिष्ठिर आपके समक्ष अपने सभी शस्त्रों का त्याग करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मामा शकुनी के साथ बैठ के वो लूडो राजनीति खेल रहे हैं, लूडो के साथ राजनीति खेल रहे हैं कि धर्म अब गया, गया पहाड़ में, अब तो मैं चाहिए मुझे मामा श्री केवल और केवल प्रपंच। मैं किसी भी तरीके से हस्तिनापुर को अपने अधीन करना चाहता। मनुष्य की इच्छाएं जो हैं वो जब पूर्ण नहीं होती हैं तो कई बार मनुष्य हार मान लेता है, और कुछ मनुष्य उसमें इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए येन कियन प्रकारेण की भावना से अग्रसित हो जाते हैं। किसी भी प्रकार से हमारे टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है बाय हुक और बाय क्रुक, तो इस वक्त दुर्योधन की स्थिति वही है कि इनकी इच्छा प्रबल है, शांत क्षुधा शांत नहीं हो रही है, तो किस तरीके से हेम केम प्रकार। बड़ी बात ये भी, उनको बालपन से केवल यही सिखाया गया कि आपको इस गद्दी पे बैठना ही बैठना है, और आप लास्ट में ला करके कह रहे हो कि नहीं ये तो इलिजिबिलिटी का क्लियर, आप योग्य ही नहीं हो, आप बाहर निकलो, योर सिलेक्शन हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो वी आर सॉरी, इसी आर नॉट बीइंग सेलेक्टेड। जो बालपन से आदमी एक ही स्वप्न देख रहा है कि मैं राजा बनूंगा, तो उसके बात सही है, अगर खींच लिया जाए राजगद्दी तो कहीं ना कहीं तो बहुत दुख होता है, दिल टूटने का आभास जो है वो इस दुर्योधन से ज्यादा किसी को नहीं होगा। क्या इन सब बातों के लिए अभी और भी समय है हमारे पास, जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।